जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम गवर्नर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो PDF के लिए। तो शुरू करते हैं। अब इसमें हम वीटो पावर जो है वो कंपेयर करके देखेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर का। काफ़ी आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वीटो पावर ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में था, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। इसलिए जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है सेपरेट, इसका मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा ताकि आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली मैं समझा सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा संभावना है एग्ज़ाम में आने की। तो इसमें हम बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो सब कवर कर लेंगे एक्सेप्ट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। हार्डली 6-7 मिनट का वो वीडियो रहेगा, लेकिन उसमें सब कुछ अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कवर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे वीटो पावर के बारे में देखेंगे। तो हमने वीटो पावर जो है ऑलरेडी प्रेसिडेंट चैप्टर में अच्छे से वीटो पावर जो है वो देखी है। तो अब यहाँ पर हम इमेजिन करके देखते हैं कि एक ऑर्डिनरी बिल जो है वो यहाँ पर आया है। तो ऑर्डिनरी बिल यहाँ पर, अब प्रेसिडेंट के पास जब ऑर्डिनरी बिल आता है तो वो कहाँ से आएगा? जो भी लोकसभा राज्यसभा में से अगर पास होता है तब प्रेसिडेंट के पास आएगा। गवर्नर के पास कब आएगा? जब लेजिस्लेचर जो होती है, अगर यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हैं तो दोनों में से पास होने के बाद गवर्नर के पास जाएगा, या फिर जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है सिर्फ असेंबली है तो असेंबली से पास होकर वो गवर्नर के पास जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो गवर्नर के पास बिल आ चुका है या फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास बिल आ चुका है, उसके बाद प्रेसिडेंट या गवर्नर के हाथ में कौन कौन सी चीज़ें होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो प्रेसिडेंट है वो एसेंट दे सकते हैं, मतलब जब भी उन्हें एसेंट दे दी मतलब क्या हो जाएगा, बिल जो है वो पास हो गया है और वो लॉ बन चुका है। या फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, विथहोल्ड करके रख सकते हैं। गवर्नर भी क्या कर सकते हैं, विथहोल्ड करके रख सकते हैं। अब विथहोल्ड कर लिए मतलब क्या हो गया कि वो जो बिल है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। और तीसरा जो अल्टरनेटिव होता है वो होता है रिटर्न करने का बिल। अब जो प्रेसिडेंट है वो किन के पास रिटर्न करेंगे? तो ऑब्वियस है जो पार्लियामेंट है मतलब जो लोकसभा राज्यसभा है उनके पास रिटर्न करेंगे, और जो गवर्नर है उनके पास करेंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है असेंबली काउंसिल उनके पास रिटर्न करेंगे, बराबर है। अब यहाँ पर इसका भी थोड़ा एक फंडा है अलग से, वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेसिडेंट जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, जिससे कि गवर्नर का जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक का समझना है तो हम प्रेसिडेंट का समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं पार्लियामेंट है मतलब लोकसभा है, हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उनके पास रिटर्न कर दिया उन्होंने बिल कि भाई मुझे पसंद नहीं आया है, कोई कारणों की वजह से मुझे बिल पसंद नहीं आया है। अब इन्होंने रिटर्न कर दिया इनके पास। अब यहाँ पर ये जो पार्लियामेंट है ये यहाँ पर कोई चेंजेस करेगी, अमेंडमेंट करेगी या नहीं करेगी। अब यहाँ पर अमेंडमेंट करती है या नहीं करती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर ये बिल जो है ये फिर से प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है? अब यहाँ पर उन्होंने फिर से भेजा है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो क्या है? गिव दी एसेंट, मतलब यहाँ पर देना ही पड़ेगा। जैसे सेम वैसे ही गवर्नर जो है उनको भी यहाँ पर जो एसेंट है वो देना ही पड़ेगा अगर उनके पास बिल जो है वो रिटर्न आता है तो। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि तीन अल्टरनेटिव जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास जो है वो चार अल्टरनेटिव होते हैं। ये तो तीन है ही उनके पास, लेकिन उसके साथ एक और अल्टरनेटिव यहाँ पर जुड़ जाता है, वो है कि बिल जो है वो रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। मतलब जो बिल है वो सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं कि आप देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब आप देखो यहाँ पर क्या करना है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम सिर्फ ऑर्डिनरी बिल का इतना पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर यहाँ पर एसेंट दे देते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं, या तो एसेंट देना, विथहोल्ड करना या फिर रिटर्न करना। तो एसेंट दे देते हैं तो यहाँ पर बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, अगर वहाँ पर विथहोल्ड करके रखते हैं तो बिल जो है वो एंड हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन पाएगा, और अगर रिटर्न करते हैं तो बिल जो है वो फिर से अगर पास होकर आता है विथ और विदाउट अमेंडमेंट तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास फिर से आता है। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है मस्ट गिव हिज एसेंट, उनको एसेंट देना ही पड़ेगा टू द बिल। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है सिर्फ सस्पेंसिव वीटो एंजॉय कर सकते हैं। अभी सस्पेंसिव वीटो क्या है तो वो हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में अच्छे से कवर किया है, तो अगर आपने प्रेसिडेंट चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जब स्टेट पढ़ रहे हैं तो जो सेंटर है उसका हर एक चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने जो सेंटर है उसके लिए काफ़ी वक्त बिताया था। और हमने जो MPSC एग्ज़ाम हुई थी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें देखा ही है कि ऑलमोस्ट सारे जितने भी क्वेश्चंस थे पॉलिटी पर बेस्ड वो सारे हमारे वीडियोज़ में से आए थे। उसके लिए सेपरेट वीडियो भी एक मैंने बनाया है किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि जो गवर्नर है वो रिजर्व कर सकते हैं बिल, ये उनके पास चौथा ऑप्शन है। अब रिजर्व करने के बाद प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या करेंगे इस बिल का? तो
तो यहाँ पर उस बारे में देखते हैं, जब प्रेसिडेंट के पास ये बिल रिजर्व हो जाता है तो अब यहाँ पर क्या सिनारियो होगा। तो जब एक बार गवर्नर यहाँ पर रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के लिए बिल, तो यहाँ पर गवर्नर का रोल जो है वो खत्म हो जाता है। गवर्नर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब वो बिल को टच भी नहीं कर सकते हैं, बिल जो है अब उनके पास आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं, तो देखिए सेम ऑप्शंस है, वो एसेंट दे सकते हैं। अगर उन्होंने एसेंट दे दिया मतलब क्या हो गया, वो जो है वो एक्ट बन चुका है, बिल जो है वो पास हो चुका है। ये अब स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अब जो सेंटर है उसका रोल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर ने रिजर्व किया है बिल, मतलब गवर्नर ने कौन सा बिल रिजर्व किया होगा, उस स्टेट का बिल रिजर्व किया होगा, उस स्टेट लेजिस्लेचर का बिल रिजर्व किया होगा। तो यहाँ पर जो भी एसेंट या फिर यहाँ पर जो विथहोल्ड किया जाएगा बिल, ये स्टेट लेजिस्लेचर का बिल होगा, सेंटर का रोल नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर विथहोल्ड भी करके रख सकते हैं, विथहोल्ड कर लिया मतलब बिल जो है वो खत्म हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन पाएगा। या तीसरी है कि रिटर्न भी कर सकते हैं। अब हमने जब सेंटर का देखा था तो उसमें क्या था कि जब रिटर्न करते हैं प्रेसिडेंट बिल, तो अगर वहाँ से जो पार्लियामेंट है अगर फिर से वो अमेंडमेंट करके या विदाउट अमेंडमेंट बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजती है, तो प्रेसिडेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा, टू गिव हिज एसेंट, उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जब स्टेट जो है स्टेट का बिल प्रेसिडेंट के पास आता है जब गवर्नर रिजर्व करते हैं, तो इस सिचुएशन में जब प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं तो क्या होता है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ने बिल जो है वो रिटर्न कर दिया है कि कुछ आपकी खामियाँ हैं, ये है वो है, वो देख लो आप क्या करना है। तो अब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है अगर वो अमेंडमेंट करती है या नहीं करती है, फिर से यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास बिल भेज दिया उन्होंने, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन होता है, क्या सिर्फ उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा, तो नहीं, वो विथहोल्ड भी कर सकते हैं और एसेंट भी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर उन पर कंपल्शन नहीं है कि आपको एसेंट देना ही पड़ेगा अगर रिटर्न करती भी है स्टेट लेजिस्लेचर बिल प्रेसिडेंट के पास तो। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान में रखिए, गवर्नर का रोल वहीं खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि एक तो एसेंट दे सकते हैं या फिर वो विथहोल्ड कर सकते हैं। अगर एसेंट दे देते हैं तो यहाँ पर बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, अगर विथहोल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पर बिल जो है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर वो एक्ट नहीं बन पाएगा, और अगर रिटर्न करते हैं बिल स्टेट हाउस को, स्टेट लेजिस्लेचर को, तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट अगेन विथ और विदाउट द अमेंडमेंट प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द एसेंट, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव द एसेंट, बाउंड नहीं है वो कि एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये एसेंट भी दे सकते हैं या फिर विथहोल्ड भी करके रख सकते हैं अपना जो एसेंट है वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं हम मनी बिल के बारे में देखते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। अब आपको ये तो बात पता होगी, हमने जब पार्लियामेंट चैप्टर देखा है तो उसमें हमने ये देखा था कि जो मनी बिल होता है वो हमेशा प्रेसिडेंट की अनुमति के साथ ही प्रेजेंट किया जाता है, बराबर है। सेम स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो गवर्नर है उनके अनुमति के साथ ही जो मनी बिल है वो प्रेजेंट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सपोज मेरी अनुमति के साथ कोई चीज़ आ रही है तो मैं उसे रिजेक्ट करूँगा क्या, नहीं करूँगा, तो बात आधी बात तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी कि जो मनी बिल है वो रिजेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम इस तरीके से देखें तो, क्योंकि अगर मेरी अनुमति के साथ आ रहा है, प्रेसिडेंट की ही अनुमति के साथ वहाँ पे बिल आ रहा है, तो वो क्यों वहाँ पे खारिज करेंगे या क्यों रिजेक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर मनी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और यहाँ पर गवर्नर, अब यहाँ पर क्या होगा, गिव एसेंट, एसेंट दे सकते हैं वो, अगर एसेंट दे दिया तो मनी बिल जो है पास हो गया, या फिर विथहोल्ड कर सकते हैं, विथहोल्ड मतलब अपने पास रख लेंगे और वो बिल जो है वो पास नहीं होगा। अब ऑर्डिनरी बिल में इनके पास और एक ऑप्शन था, वो कौन सा था, रिटर्न करने का, लेकिन यहाँ पर मनी बिल के केस में रिटर्न करने का ऑप्शन इनके पास नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, दोनों के पास नहीं होता है। मतलब प्रेसिडेंट के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं मनी बिल के केस में, एक तो गिव इज एसेंट या फिर विथहोल्ड इज एसेंट, और जो गवर्नर है उनके पास तीन ऑप्शन होते हैं। अब तीसरा कौन सा रहेगा, तो ऑब्वियस है कि वो रिजर्व करके रख सकते हैं बिल प्रेसिडेंट के लिए। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ होगी, दो ऑप्शन रहते हैं दोनों के पास, या तो एसेंट दे देंगे या विथहोल्ड कर लेंगे, एसेंट दे दिया मतलब बिल पास हो गया, विथहोल्ड कर लिया मतलब बिल जो है वो पास नहीं हुआ और एक्ट नहीं बन सकता है। अब जब गवर्नर रिजर्व करेंगे बिल तब क्या होगा, अब यहाँ पर रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, यहाँ पर फिर से गवर्नर का जो रोल है वही खत्म हो जाएगा, गवर्नर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो उनके पास यहाँ भी दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो गिव इज एसेंट या फिर विथहोल्ड इज एसेंट। ठीक है, ये दो ही ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास, स्टेट का बिल अगर रिजर्व होता है उनके पास, मनी बिल हो फिर भी दो ही ऑप्शन होते हैं उनके पास। तो यहाँ भी वही दो ऑप्शन है उनके पास जो सेंटर के लिए थे।
तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। मनी बिल के केस में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, दोनों के पास गवर्नर रिजर्व करके रख सकते हैं बिल, वो उनके पास ऑप्शन एक एक्स्ट्रा होता है, वो एक उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये चीज़ आपको इतनी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है, इतना ध्यान में आ गया है। तो हमने वीटो पावर जो है वो पूरा देख लिया है। पार्डनिंग पावर हम जानने की कोशिश करते हैं। पार्डनिंग पावर मतलब क्या है? माफ़ी देने की पावर। अब माफ़ी देने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके कंपैरिजन में देखेंगे हम। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट। अब ये क्या है? पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड, कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट अ सेंट्रल लॉ। अब ये जो है पार्डन, रिप्राई, रिस्पाइट, ये सारी चीज़ें हमने प्रेसिडेंट जो चैप्टर है उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। तो यहाँ पर उसकी डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं कि वो क्या क्या है, उसका मीनिंग जो है वो मैंने आपको समझाया था, उसकी ट्रिक भी बताई थी किस तरीके से आपको याद रखना है। जिस तरीके से जो कम्यूट है, कम्यूट मतलब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम मतलब अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज अगर कम हो रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर कम हो रही है तो उसका सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना चाहिए। तो उसी तरीके से कम्यूट हो रहा है मतलब सब्स्टिट्यूट कोई पनिशमेंट जो है वो देनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी किस तरीके से याद रखना है प्रेसिडेंट चैप्टर में, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इनके पास जो प्रेसिडेंट है उनके पास पार्डनिंग भी कर सकते हैं, रिप्राई भी कर सकते हैं, रिस्पाइट भी कर सकते हैं, रिमिट भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी, कम्यूट भी, पनिशमेंट या सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पनिशमेंट और सेंटेंस, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट सेंट्रल लॉ, सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट में। वही अगर यहाँ पर देखें तो वो भी सेम चीज़ कर सकते हैं बट अगेंस्ट सेंट्रल लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डेथ के बारे में नहीं देखा है, जो डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट होती है। अब यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट के बारे में जानते हैं। ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट द डेथ सेंटेंस, ही इज़ द ओनली अथॉरिटी। अब यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है वो डेथ सेंटेंस अगर हो, कैपिटल पनिशमेंट अगर हो, तो उसमें पार्डनिंग भी कर सकते हैं, माफ़ी भी दे सकते हैं कि आपको माफ़ कर दिया, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। रिप्राई भी कर सकते हैं, रिस्पाइट भी कर सकते हैं, रिमिट भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं और कम्यूट भी कर सकते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, इज़ दी ओनली अथॉरिटी। ओनली अथॉरिटी मतलब और किसी को ये चीज़ करने की अनुमति नहीं है, तो ऑब्वियस है गवर्नर के पास ये पावर तो रहेगी नहीं। तो गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस के लिए, कैपिटल पनिशमेंट के लिए क्या पावर है? तो वो तो पार्डन तो नहीं कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस माफ़ी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन गवर्नर जो है वो सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट ज़रूर कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नर क्या कर सकते हैं डेथ सेंटेंस के साथ? तो सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकते हैं। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर डेथ पनिशमेंट के बारे में देख लिया हमने, कैपिटल पनिशमेंट। अब मिलिट्री लॉज जो है मिलिट्री के लिए यहाँ पर कुछ कर सकते हैं क्या प्रेसिडेंट? तो जी हाँ कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल में भी वो पार्डनिंग दे सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं और कम्यूट भी कर सकते हैं, जो भी पनिशमेंट या सेंटेंस रहेगी बाय कोर्ट मार्शल। अब कोर्ट मार्शल जो है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ गवर्नर को अप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो स्लाइड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी कन्फ्यूजन जो आपको दूर हो चुका होगा। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सिर्फ, कोई भी पनिशमेंट ऐसा हमें लगेगा, ऐसा सेंटेंस दे सकते हैं वो कि गवर्नर कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंसेस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट ई सेंट्रल लॉ। तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, डेथ सेंटेंस तो वो पार्डन नहीं कर सकते हैं, तो ये जो चीज़ रहेगी ये गलत रहेगी, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस रहेगा ये सही रहेगा, क्योंकि डेथ सेंटेंस के लिए अलग चीज़ है, डेथ सेंटेंस उसमें आना चाहिए। वो पार्डन डेथ सेंटेंस को नहीं कर सकते हैं, बट गवर्नर सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या है गवर्नर की? हमें पता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो, कोई इतनी बड़ी कोई पावर उन्हें मिली नहीं है, ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर जब गवर्नर है वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर और फंक्शन, एड एंड एडवाइस रहना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, बराबर है। अब एड एंड एडवाइस रहना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सेम हमने प्रेसिडेंट के लिए भी वो देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके लिए हमेशा रहनी चाहिए हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर।
प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए हेडेड बाय दी चीफ मिनिस्टर। एक्सेप्ट, अब यहाँ पर देखिए जो हमें प्रेसिडेंट के वहाँ देखने को नहीं मिलता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट इन द मैटर्स इन विच ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। अब ये जो चीज़ है ये हमें सेंटेंस प्रेसिडेंट के वहाँ देखने को नहीं मिला था, जब हमने प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा था तब हमने वहाँ नहीं देखा था ये सेंटेंस, क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन जो है प्रेसिडेंट को नहीं मिला हुआ है, जो कि यहाँ पर गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन जो है वो मिला हुआ है। डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है, अपने मुताबिक काम करेंगे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द गवर्नर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ प्रेसिडेंट। डिफर क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एनवेसेज द पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर एक्टिंग एट अ टाइम इन हिज डिस्क्रिशन। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को ऐसा कुछ बताया है कि आप कुछ ऐसे सिचुएशंस में अपने डिस्क्रिशन के मुताबिक, अपने मन मुताबिक यहाँ पर काम कर सकते हो, ऐसा कहीं भी प्रेसिडेंट के लिए नहीं कहा गया है। नो सच पॉसिबिलिटी हैज़ बीन गिवन फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है। प्रेसिडेंट को हमेशा एड एंड एडवाइस के साथ ही काम करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था तो मिनिस्ट्रियल एडवाइस जो है वो बाइंडिंग बना दी थी प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हमें गवर्नर के लिए देखने को नहीं मिलता है। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई सेंटेंस आता है तो हमें पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा, हमें लगेगा ऐसा थोड़ी हो सकता है, जब प्रेसिडेंट बाइंडिंग है तो ऑब्वियस है गवर्नर तो रहेंगे ही, हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर सेम ऐसा ही सेंटेंस आता है तो 50% लोग जो है वो गलत कर सकते हैं कि मिनिस्ट्रियल एडवाइस हैज़ बीन मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट बट नो सच प्रोविजन हैज़ बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर। 50% लोगों को लगेगा कि यह सेंटेंस गलत है लेकिन ये बिल्कुल सही है, तो ये आपको प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर डिस्क्रिशन कौन डिसाइड करेगा कि गवर्नर की डिस्क्रिशन क्या है, गवर्नर अपने मन मुताबिक कब काम कर सकता है, कौन सा काम कर सकता है, कैसा काम कर सकता है, तो ये जो पावर है ये किसे दी है, गवर्नर को ही दी है। मतलब एनी क्वेरीज अराइजेस वेदर द मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर डिस्क्रिशन और नॉट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज फाइनल। गवर्नर का जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा और यहाँ पर इस पर कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं उठाया जा सकता है कहीं पर भी, ये बात आप ध्यान में रखिए। गोवा जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें हमें ये चीज़ बहुत प्रखरते से देखने को मिली थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कौन कौन से है गवर्नर के वो देखते हैं, तो रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसा हमने फर्स्ट इसमें देखा था कि वो रिजर्व कर सकते हैं बिल प्रेसिडेंट के लिए, तो उनका पर्सनल डिस्क्रिशन है, उन्हें कोई नहीं बता सकता कि आप ये वाला बिल रिजर्व नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के लिए, ऑब्वियसली कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिशन है वो। रिकमेंडेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल, अब यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल, लगा नहीं सकते हैं, नहीं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, लगा नहीं सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि आप प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पर लगाइए ये स्टेट में। वाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, एडिशनल चार्ज जब देते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से फंक्शन करेंगे वो उनके मुताबिक होगा। डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उनको कितना पैसा देना चाहिए, और फिर उसके बाद रॉयल्टी फॉर एक्यूरिंग फ्रॉम लाइसेंस ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए डिस्क्रिशनरी पावर होती है इनके पास। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ द स्टेट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट को कहीं मिली नहीं है, ये ध्यान में रखिए। प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है, वो भी हम देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन सिर्फ गवर्नर के पास होती है, और डिस्क्रिशन में है या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर करेंगे खुद, और उनका डिसीजन फाइनल रहेगा। अब यहाँ पर सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट को मिली है यहाँ पर सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी गवर्नर को मिली है। अब चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली हो, सेम गोवा इलेक्शन में जो हुआ था, बीजेपी को कम थे, कांग्रेस को ज़्यादा थे, फिर भी जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई, तो कांग्रेस ने ऐसा बोला था कि हमें गवर्नर जो है उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि हम हमारी मेजोरिटी साबित कर पाए, लेकिन यहाँ पर गवर्नर जो है उन्होंने बोला था कि ये मेरा डिस्क्रिशनरी पावर है, मैं किसी भी बोला सकता हूँ, तो इस तरीके से वो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर किसी भी अपॉइंट कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो हमने क्या कंडीशंस है जब हमें चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वो देखेंगे हम तब डिटेल में देखेंगे किस तरीके से अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर में हमने देखा था कि किसे भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट है वो, जो मेजोरिटी पार्टी रहेगी उनको ही यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो गवर्नर है उनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जिस तरीके से हमने गोवा के इलेक्शन में देखने को हमें मिला था। अब यहाँ पर डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैनॉट प्रूव देयर कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर सकते हैं
असेंबली में, तो वहाँ पर उन्हें डिसमिस कर देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मेजोरिटी लूज कर देते हैं तो। अब गवर्नर के पास सर्टन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है डिस्चार्ज करने की। अब वो ऐसे है कि वो खुद के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। अब वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो सब हमें ध्यान में रखने की इतनी ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने वहाँ यहाँ पर इंक्लूड किया नहीं है। जैसे महाराष्ट्र है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट जो डेवलपमेंट बोर्ड होता है विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए वो करना, फिर गुजरात में भी जो डेवलपमेंट बोर्ड है जो सौराष्ट्र है और कच्छ है उसके लिए डेवलप करना, एस्टैब्लिश करना, फिर उसके बाद आसाम के लिए भी जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज़ है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, और सिक्किम के लिए भी जो पीस इंश्योर करना पड़ता है सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड की नहीं है। कोई भी आपको एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं कि अरुणाचल प्रदेश के लिए गवर्नर के पास कौन सा डिस्क्रिशनरी होता है। तो जो लॉज एंड ऑर्डर है उसके साथ यहाँ पर काम करना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया नहीं है वो सब। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर। क्योंकि यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है महाराष्ट्र के लिए जो स्टैब्लिश करना वगैरह, तो ये प्रेसिडेंट जो है उनके यहाँ पर जो डायरेक्शंस है वो इशू करते हैं प्रेसिडेंट, उसके मुताबिक गवर्नर जो है यहाँ पर काम करते हैं। तो इसलिए मतलब क्या है, वो सेंटर मतलब प्रेसिडेंट जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है। अब देखिए यहाँ पर हमें लगेगा कि जो गवर्नर है वो जो सेंटर है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंडर में एम्प्लॉयमेंट नहीं आता है, तो इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं रहेंगे सेंटर के, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है, ऐसा अगर आता है तो गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, वो तो है ही लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव भी है सेंटर के, भले ही वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव है सेंटर के। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट इसमें हम जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो देख लेंगे, हमारा जो गवर्नर चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।